हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साबूदाने से बनने वाली बिल्कुल नई रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार चटनी के साथ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक उबले हुए आलू। आलू को हम एक ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो आलू को मेस भी कर सकते हैं, मेसर से या फॉक से। तो मैंने यहाँ पर आलू को ग्रेट कर ली है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे मैंने ली है 1 कप साबूदाना। साबूदाना को मैंने 2 घंटे पहले अच्छे से पानी में धो करके भिगो दी थी। अब ये अच्छे से फूल चुका है, तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं मिक्सिंग जार में। फिर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी। आधा कप पानी डालकर हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने को पीस ली है, ये बहुत ही अच्छी तरह से पीस जाता है अच्छे से फूलने के बाद। अब हम इसको डाल देते हैं आलू के साथ मिक्स कर देंगे। आलू और साबूदाना को एक साथ डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक 1/2 चम्मच लिए मैंने सेंधा नमक लेना है, थोड़ा सा हरी मिर्च। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जैसे मिक्स हो जाए, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दही 2 चम्मच। यहाँ पे मैंने कम मसालों का यूज़ की है, ये व्रत के लिए बना रही हूँ, इसलिए अगर आप चाहे तो आप किसी और टाइम बना रहे हैं तो सारे मसाले आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दही को डालने के बाद इसका टेक्सचर इस तरह का हो गया है। ये थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें और 2 चम्मच दही मिला सकते हैं। एक तवे को गर्म कर लेंगे। तवे गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। फिर घी को हम तवे पर ग्रीस कर लेंगे। अब हम ऊपर से डाल देते हैं ये जो साबूदाना और आलू का मिक्सचर था, इसको 2 चम्मच डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, नहीं तो इसमें फ्लिप करने में दिक्कत आ जाती है। कवर करेंगे और 4 से 5 मिनट लो फ्लेम में पकाएंगे। करीबन 5 मिनट बाद ये कुछ इस तरह का दिखने लग गया है। अब हम इसको पलट देते हैं। आप इसको थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा तो फ्लिप करने में आसान हो जाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर से कवर कर देंगे, 3 मिनट पकाएंगे। अब इसको हम कवर निकाल देंगे और 2 मिनट तक इसे ही सेक लेंगे। ये जो चीला है बन चुका है, इसको निकाल देते हैं और दूसरे चीला को भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ये जो चीला है खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगती है, आप इस नवरात्रि के व्रत में ज़रूर से बनाइएगा। कम समय में बनती है, खाने में स्वादिष्ट होती है। तो इसको भी हम सेम प्रोसेस से पकाएंगे। एक बात बार बार कहना चाहूँगी, आप जब भी इसको फ्लिप करें बहुत ही आराम से करिएगा। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मूंगफली को रोस्ट करके ले ली है, इसके जो छिलके थे उसको उतार ली है। इसको हम डाल देंगे मिक्सिंग जार में। और यहाँ पर मैंने डाल दी है 3 चम्मच जितना दही और थोड़ा सा पानी, जितना दही लिया था उतना ही पानी डाल दी है। इसमें सेंधा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच जितना ली है। 1 टुकड़ा अदरक का डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और धनिया ली है मैंने। अगर आप व्रत में धनिया नहीं खाते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने पीस लिया, चटनी बनके तैयार है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।